दोस्तों, अगर आप यूनाइटेड अरब अमीरात में रहते हैं और आप एतिसलात का प्रीपेड सिम कार्ड यूज करते हैं और आप अपने लिए एक डेटा पैक सर्च कर रहे हैं, तो आज मैं आपको एतिसलात के मंथली, वीकली, डेली और सोशल डेटा के डिफरेंट पैकेज के बारे में जानकारी देने वाला हूं। और आपको यह भी बताने वाला हूं कि आप इसको ऑनलाइन कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप भी प्रीपेड डेटा पैक सर्च कर रहे हैं तो इसकी जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन, आप देख रहे हैं वाईफाई टेक इन्फो, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको डू या एतिसलात से रिलेटेड नई नई अपडेट के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, अगर आप एतिसलात के प्रीपेड यूजर हैं और आप प्रीपेड डेटा को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आज मैं आपको इससे रिलेटेड डिफरेंट पैकेज के बारे में जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, मैं सबसे पहले एतिसलात के मंथली डेटा पैक के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, एतिसलात के प्रीपेड पैकेज में सबसे पहला पैकेज आता है 45 दिरहम का। दोस्तों, इस प्लान में आपको 30 दिनों तक 1 GB का डेटा डेली मिलता है। इसका मतलब यह है कि आपको 30 दिनों तक डेली 1 GB का डेटा पैक मिलेगा। इस पैक की वैलिडिटी भी आपको 30 दिनों के लिए मिलेगी। दोस्तों, अगर आप इसका मंथली नॉन स्टॉप डेटा प्लान एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप इसका डेली 150 MB का डेटा पैक एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 50 दिरहम का पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, इस पैक की वैलिडिटी आपको 28 दिनों के लिए मिलेगी। इसमें दोस्तों आपको 150 MB का डेटा डेली 28 दिनों के लिए मिलेगा और यह डेटा ख़त्म होने के बाद भी आपका इंटरनेट चलता रहेगा। दोस्तों, यह पैक ऑटो रिन्यूअल है, तो अगर आप इसको एक्टिवेट करते हैं तो आप इसको डीएक्टिवेट जरूर कर दें, अदरवाइज यह नेक्स्ट मंथ रिन्यू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इसका सोशल डेटा पैक एक्टिवेट करना है तो आप इसका डेली 1 GB सोशल डेटा पैक एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 49 दिरहम का पेमेंट करना पड़ेगा। इस पैक की वैलिडिटी भी आपको 30 दिनों के लिए मिलेगी। इस पैक में आप फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन जैसे एप्लीकेशन का यूज कर पाएंगे। दोस्तों, यह पैक भी ऑटो रिन्यूअल है, तो आप इसको एक्टिवेट करने के बाद डीएक्टिवेट जरूर कर दें। अगर आप इसको डीएक्टिवेट नहीं करेंगे तो यह नेक्स्ट मंथ ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको डेली 150 MB वाला सोशल डेटा पैक एक्टिवेट करना है तो आपको इसके लिए 40 दिरहम का पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें आपको डेली 150 MB का डेटा पैक यूज करने के लिए मिलेगा। इस पैक में आप फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, वीचैट, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और इंटरनेट कॉलिंग वाले एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। इस पैक की वैलिडिटी आपको 28 दिनों के लिए मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीकली डेटा पैक की जरूरत पड़ती है तो आप इसका वीकली डेटा पैक भी एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको पर डे 75 MB वाला डेटा पैक एक्टिवेट करना है तो इसके लिए आपको 15 दिरहम का पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें आपको डेली 75 MB का डेटा मिलेगा। इसकी वैलिडिटी आपको 1 वीक के लिए दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको 1 वीक के लिए थोड़ा ज़्यादा डेटा चाहिए तो आप इसका 150 MB वाला डेटा पैक एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें आपको 25 दिरहम का पेमेंट करना पड़ेगा और इसमें आपको 150 MB का डेटा डेली 7 डेज के लिए मिलेगा। इसकी वैलिडिटी आपको 1 वीक के लिए दी जाएगी। तो अगर आपको डेली 250 MB का डेटा पैक चाहिए 1 वीक के लिए, तो आप इसका 250 MB वाला डेटा पैक एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 40 दिरहम का पेमेंट करना पड़ेगा। इसकी भी वैलिडिटी आपको 1 वीक के लिए मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको डेली कुछ डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसका डेली डेटा पैक एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें सबसे जो लोएस्ट पैकेज है वह 2 दिरहम का आता है। यह एक सोशल डेटा प्लान है। इसमें आपको एक दिन के लिए 120 MB का डेटा मिलता है। इसमें आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन जैसे एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी आपको एक दिन के लिए मिलती है। दोस्तों, अगर आपको एक दिन के सोशल डेटा पैक में ज़्यादा डेटा चाहिए तो इसके लिए आप 300 MB वाला डेटा प्लान एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4 दिरहम का पेमेंट करना पड़ेगा। इसकी भी वैलिडिटी आपको एक दिन के लिए मिलेगी। इस प्लान में आप फेसबुक मैसेंजर, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, वीचैट, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, बोटिम और इंटरनेट कॉलिंग वाले एप्लीकेशन का यूज कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको सोशल डेटा पैक नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल डेटा पैक चाहिए एक दिन के लिए, तो आप इसका 60 MB वाला डेटा पैक एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 दिरहम का पेमेंट करना पड़ेगा और 24 घंटे के लिए आपको 60 MB का डेटा मिलेगा।
इसकी वैलिडिटी आपको एक दिन के लिए मिलेगी। अगर आपको एक दिन के लिए 150 MB का डेटा पैक चाहिए तो इसके लिए आपको 4 दिरहम का पेमेंट करना पड़ेगा। यह दोनों पैक ऑटो रिन्यूअल हैं। अगर आप इसको एक्टिवेट करते हैं तो आप इसको डीएक्टिवेट जरूर कर दें, अदरवाइज यह दूसरे दिन ऑटो रिन्यू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इन पैकेज को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर में जाना है। ब्राउजर में जाकर आपको यहाँ पर ETSalat टाइप करना है। इसके बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ETSalat की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, तो आपको इस पर क्लिक करना है और ETSalat की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर माई अकाउंट का एक ऑप्शन दिखेगा, उसके नीचे आपको साइन इन का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपना ETSalat का प्रीपेड नंबर डाल देना है। प्रीपेड नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का OTP आएगा, आपको वह OTP यहाँ पर डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आप ETSalat की वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे। दोस्तों, लॉगिन होने के बाद इसका होम पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ कंज्यूमर वाला एक ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर से नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक मोबाइल प्लान का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप वहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक एड ऑन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके नीचे आपको एक प्रीपेड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर से नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक डेटा वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ETSalat के सारे डेटा पैक ओपन होकर आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ से आपको कोई भी प्लान एक्टिवेट करना है तो आपको यहाँ पर प्लान के नीचे एक सेलेक्ट वाला ऑप्शन दिया गया है, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डिडक्ट फ्रॉम बैलेंस का एक ऑप्शन दिया गया है, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है तो आपको यह ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसकी टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहां पर एक सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस होगा तो यह ऑटोमेटिक आपके नंबर पर यह पैक एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे डेली, वीकली, मंथली डेटा पैक देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जो भी डेटा पैक को एक्टिवेट करना है वह आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ डेटा पैक आपको स्पेशल ऑफर के तौर पर मिल जाएंगे, आप उनको भी यहाँ से एक्टिवेट कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप ETSalat के एप्लीकेशन में भी लॉगिन करके इन सारे पैक को एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ETSalat के किसी भी पैकेज से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने क्वेश्चन को वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी थी ETSalat के डेली, वीकली, मंथली और सोशल डेटा पैक के बारे में। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए या फिर आपको डुओ ETSalat का नया होम वाईफाई कनेक्शन, कमर्शियल वाईफाई, पोस्टपेड सिम कार्ड या फिर आपको वाईफाई से रिलेटेड कोई टेक्निकल इशू है तो आप मेरे नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।